सनातन धर्म पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध जारी है, बयानबाजी जारी है। इसको लेकर कई नेताओं सनातनियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि कुछ लोग मूर्खता की बातें करते हैं, उन्हें करने दो, लेकिन हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैं सनातन धर्म का समर्थक हूँ। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि मैं भगवान शिव, राम और कृष्ण सबकी पूजा करता हूँ, बाबा विश्वनाथ से लेकर जितने ज्योतिर्लिंग हैं सभी का दर्शन कर चुका हूँ। जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए, मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और सनातन धर्म का समर्थक हूँ। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते हैं तो करते रहने दो, सनातन धर्म हम तो सनातन धर्म ही है, तो सनातन धर्म को मानने वाले हम, राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते, बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके, तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए, मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और समर्थक हूँ। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया रोग की तरह और इसे खत्म करना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने आगे कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना होगा। सनातन भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उन्होंने कहा था कि सनातन का अर्थ क्या है, शाश्वत या कुछ ऐसा जिसे बदला नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और यही तो सनातन का अर्थ है। इसके अलावा डीएमके के नेता ए राजा ने भी सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।